गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट द क्लास इन 2 मिनट्स। सबने डीपीपी बना ली? चालू पूरी की है, क्लास चालू हो गया।
ये आपके सामने आंसर्स हैं, एक बार आंसर्स को मैच कर लीजिए. मैच द आंसर्स. और अगर डाउट हैं तो प्लीज स्टार्ट आस्किंग हियर. जस्ट टाइप द क्वेश्चन नंबर. ओके, तो पहले का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का डी, सिक्स का बी, सेवन्थ का सी, एट्थ का बी, नाइन्थ का डी, टेंथ का ए, इलेवन का बी, ट्वेल्थ का सी, थर्टीन का सी. क्वेश्चन टेन से पहले और कोई आंसर क्वेश्चन? इलेवेंथ का डी होगा यार. इलेवेंथ का डी होगा. हाँ, क्वेश्चन 14-15 बता रहे हैं. 14 का डी और 15 आपका टू एट. क्वेश्चन टू. ओके, क्वेश्चन टू देखो, मैं एक डेफिनेशन बताना आपको भूल गया. आपको बता देता हूं मैं डेफिनेशन एक, कि वन मोल को वन ग्राम एटम और वन ग्राम मॉलिक्यूल भी कहा जाता है. नाम है बस. वन ग्राम एटम या वन ग्राम मॉलिक्यूल कहीं भी देखे तो समझ जाना वो वन मोल है. वन ग्राम एटम, वन ग्राम अलग से लिखा होगा तो वो वन ग्राम है, पर अगर वन ग्राम एटम या वन ग्राम मॉलिक्यूल लिखा गया होगा ना तो समझना वन मोल है. ठीक है, इस बात को समझ लो. अगर लिखा हो वन ग्राम एटम या वन ग्राम मॉलिक्यूल, है ना, वन ग्राम एटम, तो ग्राम एटम अगर साथ में लिखा है, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल साथ में लिखा है, तो उसका मतलब होता है वन मोल. तो उसका मतलब होता है वन मोल. दैट्स इट, नथिंग मच. तो आइए क्वेश्चन सेकंड देखें. क्वेश्चन सेकंड में क्या लिखा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मास. तो वन ग्राम एटम, वन ग्राम ऑफ कार्बन नहीं है, वन ग्राम एटम ऑफ कार्बन है, यानी वन मोल ऑफ कार्बन. वन मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? 12 ग्राम. ए ऑप्शन. बी ऑप्शन, हाफ मोल ऑफ सी एच फोर. तो हाफ इंटू वन मोल ऑफ सी एच फोर इज 16. हाफ इंटू 16 इज इक्वल टू 8 ग्राम. सी, 10 ml ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 ml इंटू 1 g/ml. क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, आप देखेंगे. तो इसका वेट कितना हो गया? 10 ग्राम. एंड डी ऑप्शन, 3.011 × 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है. एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो इसके कितने मोल्स हो गए? डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर. इसके मोल्स निकाल लो पहले. तो कितने मोल्स आए? हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है? 16 ग्राम. तो इसका वेट कितना हुआ? 8 ग्राम. तो ए ऑप्शन का वेट है 12 ग्राम, वन मोल की बात हो रही है. बी ऑप्शन का वेट है 8 ग्राम. सी ऑप्शन का वेट है 10 ग्राम. एंड डी ऑप्शन का वेट है 8 ग्राम. तो
तो सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? ए ऑप्शन का। तो सेकंड का क्या होगा? ए। तो सेकंड का क्या होगा? ए। देख लीजिए सेकंड का आंसर ए, सेकंड का आंसर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? इज इट अंडरस्टैंड? क्लियर? सेकंड क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? अनुष्का, पीयूष, मनी, अक्षत, तुहिना, अंजनी, सेकंड क्वेश्चन में क्या डाउट है लिखो। तो वहीं कहीं भी ग्राम एटम लिखा होगा तो मतलब वो वन मोल की बात कर रहा है। तो वन ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू वन मोल ऑफ कार्बन यानी 12 ग्राम। फिर 10 ml ऑफ क्या लिखा है? 10 ml ऑफ हाफ मोल ऑफ सी एच फोर। सी एच फोर का मोलर मास कितना होता है? 16 ग्राम। यानी एक मोल का मास 16 है तो हाफ मोल का 8 ग्राम। फिर 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ वाटर तो उसका डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml तो 10 ml इंटू 1 ग्राम पर ml कितना हो गया? 10 ग्राम। और इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन तो मोल्स निकाला पहले। मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गया इज इक्वल टू हाफ इंटू 16, दैट इज 8 ग्राम। That is 8 ग्राम। ठीक है, ओके, ठीक। सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर और क्या डाउट है? क्वेश्चन टू हो गया। क्वेश्चन टू के बाद 3, 4, 5, 3, 3, 3 विभा को 3 में डाउट है। थर्ड क्वेश्चन आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 6.02 मॉलिक्यूल्स विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ। देखिए पहले मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो दिया हुआ है आपको डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया है? 6.022 × 10⁻²² डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻²³। तो कितना हुआ? 1/10 मोल्स। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आया? 1/10 मोल्स। एंड वी ऑल्सो नो वन मोल ऑक्यूपाइज 22.4 liter एट STP। सो 1/10 विल ऑक्यूपाई 1/10 × 22.4 दैट इज इक्वल टू 2.24 liter। दैट इज इक्वल टू 2.24 liter। यानी ऑप्शन होना चाहिए थर्ड का बी। थर्ड का ऑप्शन होना चाहिए 2.24। ऐसे ही मोल्स निकाला। फिर ये एक फॉर्मूला भी होता है, आपको बताया मैंने कल आपको, एन ऑफ N2 इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय 22.4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/10 इज इक्वल टू वॉल्यूम निकालना है डिवाइड बाई 22.4, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1/10 × 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो 2.24 इज इक्वल टू क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ गैस। थर्ड विभा समझ में आया? विभा थर्ड समझ में आया? ओके बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ फिफ्थ। कोई किसी को भी डाउट है वो बस क्वेश्चन वहां लिख दो, है ना, 1, 2, 3, 4 ऐसा करके। तो 2 हो गया, 2 के बाद 3 में डाउटिंग किसी को? 3 हो गया क्लियर, 4th नहीं है डाउट, 5th नहीं है, 6th नहीं है, 7th। सर क्वेश्चन 12th में आएंगे बेटा, 12th में आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वन मोल है कंपाउंड का। इसमें एक मोल कार्बन है, इसके अंदर एक मोल कार्बन है, ठीक है, और दो मोल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम है। तो मॉलिक्यूलर वेट, तो भैया वन मोल कार्बन का वेट कितना होगा? 12।
और 2 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, 32, 16 और 16 32, टोटल कितना हो गया 44 ग्राम। तो डी ऑप्शन, फिफ्थ का डी। भाई 1 मोल कंपाउंड के अंदर 1 मोल कार्बन है तो उसका वेट कितना होगा 12 ग्राम, और 2 मोल ऑक्सीजन है तो 1 मोल ऑक्सीजन 16, 2 मोल ऑक्सीजन 32, 12 32 44, 12 32 44, तो 44 ग्राम होगा आंसर, फिफ्थ का डी। समझ में आया पृथ्वीराज? ओके, नेक्स्ट, 6th नहीं 7th, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आंसर शायद गलत लिख दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 ml ऑफ ऑक्सीजन। ओ हो, तो 1.8 ml है, 1.8 ml ऑक्सीजन, सॉरी वाटर में, 1.8 ml वाटर है ना, इसकी डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर ml, तो इसका वेट कितना होगा, वेट विल बी मोल्स, सॉरी आपका डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट। तो डेंसिटी कितनी दी हुई है बेटा आपको, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1, वॉल्यूम कितना 1.8 ml, और ये कितना होता है 1 ग्राम पर ml, ठीक है ना। डेंसिटी ml से ml कर गया तो वेट कितना आ गया, वेट इज इक्वल टू 1.8 ग्राम, वेट इज इक्वल टू 1.8 ग्राम। तो इसके मोल्स कितने होंगे, वेट अपॉन मोलर मास, तो मोल्स आ गए इसके 1.8 / 18, यानी 0.1 मोल्स, 0.1 मोल्स, ठीक है। ये क्या आ गए, मोल्स आ गए। अब इन वन मोल, इन वन वाटर मॉलिक्यूल वी हैव कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ऑक्सीजन के 8 और इसके 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो इन 0.1 मोल H2O we will have 0.1 mole into 10 is equal to 1 mole electron, 1 mole electron matlab 6.023 into 10 raise power 23 electrons, electrons puchha hai na apan se, to answer hoga 6.023 into 10 raise power 23, to 7th ka answer A hoga, मैंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखा था, 7th का आंसर A होगा, है ना, ये आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 0.1 मोल वाटर मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 0.1 mole into 10, दैट इज इक्वल टू 1 mole electron, 1 mole electron मतलब 6.023 into 10 raise power 23 electron। गॉट इट, समझ में आया, 7th का आंसर A होना चाहिए, सॉरी मेरी गलती से गलत लिख दिया, 7th का आंसर A, इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने पढ़ा ही नहीं था, गॉट इट। 7th फिर से बताते हैं, हाँ देखिए क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 ml वाटर। अब देखो आपको क्या निकालना है, हाँ बता रहा हूँ अक्षर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 ml वाटर। अब भाई आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, नंबर मतलब क्वांटिटी निकालनी, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी, जैसे ही निकालने को कोई बोले तो क्वांटिटी तो अपने को एक ही पता है जीवन में, केमिस्ट्री में मोल्स, क्वांटिटी तो एक ही चीज़ की पता है हमको, मोल्स, तो हमको मोल्स निकालने हैं बेसिकली। तो मोल्स निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला पता है, 3 फॉर्मूले पता है, एक वेट अपॉन मोलर मास, तीसरा नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, और तीसरा गैस के लिए। तो ये गैस तो है नहीं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो निकालना ही है, तो क्या बच गया, पहला वेट अपॉन मोलर मास यूज करना है, तो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास यूज करना है। वेट कहाँ से आएगा, वेट हमको पता है, वेट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी, वेट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी रो, ये हमने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला।
तो अगर मेरे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 1.8 ml और डेंसिटी भी दी हुई है 1 g/ml दी हुई है, तो इसका हम लोग वेट निकाल सकते हैं। तो वेट क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वेट क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपन ने निकाला था। तो वेट ऑफ सैंपल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सैंपल कितना दिया है 1 g/ml और वॉल्यूम उसका कितना दिया है 1.8 ml, ml से ml कट गया तो आ गया 1.8 g। तो वेट ऑफ सैंपल कितना हो गया 1.8 g। तो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.8 g डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। वाटर का मोलर मास क्या होता है H2O, ऑक्सीजन का 16 वाटर और इसका 2, दैट इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर डालेंगे 1.8 डिवाइड बाई 18, दैट इज इक्वल टू 0.1 moles। अब एक वाटर मॉलिक्यूल में, इन वन वाटर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का और आठ किसका, ऑक्सीजन का, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 0.1 moles मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन 0.1 moles वी विल हैव इनटू 10, दैट इज इक्वल टू 10 into 0.1, दैट इज इक्वल टू 1 mole electrons। 1 mole electrons, 1 mole electron मतलब 6.023 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गुड अनुष्का, 11, 2, फिर कौन सा क्वेश्चन, 7 के बाद 5 हो गया, 7 हो गया, 11 बताएंगे, 11 बताएंगे, 11 के पहले और कोई क्वेश्चन, 8, 9 नंबर है, पीयूष मनी ने 9 नंबर पूछा था, है ना। मिस हो जाए तो दोबारा टाइप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोबारा टाइप कर देना मेरे से मिस हो जाए तो। 9 नंबर, विच आर द फॉलोइंग कंटेंस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, विच आर द फॉलोइंग कंटेंस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। श्रेयांश फोर्थ पूछ रहे, फोर्थ बताएंगे, पहले ये देख लो। देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम किसमें है, तो पहला ऑप्शन 1 g ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 g मतलब 1/16, कैसे, वेट अपॉन मोलर मास। तो ये क्या आ गया, दिस इज मोल्स ऑफ ओ निकालना है, तो ये कितना आ गया 1/16 moles, ठीक है, ये एक आ गया। बी, 1 g ऑफ O2, 1/32, अब क्या हो जाएगा 32, पर ये क्या आया, दिस इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होते हैं टू एटम, तो इतने मोल्स में कितने होंगे 1/32 × 2, यानी 1/16 moles होंगे ऑफ ऑक्सीजन एटम। भाई ये जो 1/32 आया है, दिस इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। अब एक मोल ऑक्सीजन गैस के अंदर 2 atom है, तो 1/32 mole के अंदर कितने होंगे, × 2, यानी 1/16 mole ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1/16 mole ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहां भी कितना आया था 1/16 mole ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऊपर तो एटम ही दिया था। थर्ड ऑप्शन, अब निकालना है मोल्स ऑफ ओजोन, इसका भी कितना दिया 1 g, 1/1 ओजोन का मास कितना होगा 16 × 3 = 48। यह है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन आए। अब एक ओजोन में कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के, 3, तो ये क्या आ जाएंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1/16 moles ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो तीनों में कितना आ रहा है 1/16, 1/16, 1/16, ऑप्शन होगा डी। 9 समझ में आया सबको, 9 समझ में आया सबको। पीयूष मनी,
नाइन्थ, नाइन्थ समझ में आया? गुड गुड। फिर चौथा पूछा है श्रेयांश ने, चौथा बता देते हैं। आइए चौथा में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। देखिए अगर आपको लिखा है ना 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्सीजन लिखा है इसको एटम नहीं मानना है, गैस मानना है। क्यों? जब हम ऑक्सीजन बोल दें या नाइट्रोजन बोल दें इन फ्री स्टेट, तो ये हरदम O2 के फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होगा, फ्लोरीन F2 के। अगर उसको लिखना होता तो ऑक्सीजन एटम लिखता, ऑक्सीजन एटम लिखता। अगर सिर्फ ऑक्सीजन लिख रहा है तो उसको O2 मानना, अगर सिर्फ ऑक्सीजन लिख रहा है तो उसको O2 मानना। तो कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, तो 16 डिवाइड बाय 32, ये आ गया क्या, हाफ मोल्स ऑफ ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब उसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है, तो हाफ इंटू दो यानी वन मोल एटम्स मतलब 6.023 × 10⁻²³, यानी इसका ऑप्शन होना चाहिए डी, फोर्थ का ऑप्शन डी। समझ में आया बेटा श्रेयांश? अगर ऑक्सीजन बस लिख दिया है तो आपको उसको गैस मानना है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O2। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O2। क्लियर हुआ श्रेयांश? ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? फोर्थ के बाद फिफ्थ में भी डाउट था क्या? फिफ्थ, ये तो हो चुका है फिफ्थ, है ना? सिक्स कोई पूछा नहीं, सिक्स के बाद एट्थ, एट्थ, एट्थ क्या है, एट्थ, एट्थ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस निकालना है हमको, क्या निकालना है, मोलर वेट, मोलर मास, ये निकालना है। 11.2 का वजन 14 ग्राम है, तो देखिए मोल्स क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 होता है मोल्स, हाँ या ना? वॉल्यूम कितना दिया है, 11.2 डिवाइड बाई 22.4, तो ये कितना आ गया, हाफ मोल्स। तो एन ऑफ गैस कितना है, हाफ, एन ऑफ गैस कितना है, हाफ। तो अब यहाँ डाल देते हैं अपन एन ऑफ गैस, एक और फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा, वेट अपॉन मोलर मास। तो एन ऑफ गैस कितना दिया हुआ है, ऊपर से निकाले हाफ, हमको क्या दिया हुआ है, वेट 14, तो मोलर मास mm निकालना है, बस यही क्वेश्चन है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मोलर मास इज इक्वल टू 28, नाइट्रोजन गैस हो जाएगी, मोलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 28। देख लीजिए पहले हमने क्या फॉर्मूला लगाया, मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 एट STP, ये होता है हमको पता है। तो इसका क्या आ गया, मोल्स, हाफ मोल्स, हाफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास, वैल्यू डाल दी, वेट दिया हुआ 14 ग्राम, मोलर मास निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 28 ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 28 ग्राम, ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया, क्लियर, क्लियर, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये एट हो गया, नाइन्थ हो गया, टेंथ में डाउट नहीं है, इलेवेंथ, इलेवेंथ देखो, 1 ग्राम हाइड्रोजन, सेम ये जो है ना, ये H2 गैस होती है, हाइड्रोजन H नहीं होता, H2 गैस होती है, तो H2 गैस का मोलर मास कितना होगा, 1, तो मोल्स निकालेंगे पहले, मोल्स कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, तो हाफ मोल्स हैं, हाफ मोल्स हैं, तो हाफ मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 का हाफ इंटू 22.4 यानी 11.2 लीटर, यानी 11.2 लीटर, तो 11th का ऑप्शन होगा डी, तो 11th का ऑप्शन होगा डी। स्टॉप नहीं, STP लिखा है बेटा, स्टॉप कहाँ लिखा है, STP, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर,
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कल बताया था आपको बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कल की क्लास नहीं अटेंड किए थे। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर 180 एम, और इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स, इट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। एन इज इक्वल टू हाफ, ये निकल के आया एन इज इक्वल टू हाफ अपना, तो ये मतलब हाफ मोल ऑफ क्या हुआ, हाफ मोल ऑफ H2 गैस। अब इनटू 22.4 लीटर कर दिया तो 11.2 लीटर आ गया। हाँ ठीक है, 273.15 ले लो या 273 ले लो, दोनों ठीक है, दोनों क्लियर, दोनों चलेगा। ओके नो इश्यूज, आगे बढ़े। शैल वी मूव अहेड। ठीक है, 11 के बाद और कोई डाउट? 11 के बाद, 11 के बाद 13 12 12, पीयूष मनी का 12 भी है, 12 13 12 12। नंबर ऑफ एटम्स इन 22 ग्राम, बेटा ये तो देखा हुआ है, बहुत सिंपल है। देखिए नंबर ऑफ एटम्स बताना है 12th, तो देखिए पहले तो मोल्स निकाल लीजिए, जहां नंबर पूछा वहां मोल्स निकाल रहे हैं। तो मोल्स मतलब वेट अपॉन मोलर मास, वेट कितना दिया है 22, इसका मोलर मास कितना होता है 44, वेट कितना दिया है 22, इसका मोलर मास कितना होता है 44, तो इसके मोल्स कितने हो गए 1/2 मोल्स, इसके मोल्स कितने हो गए 1/2 मोल्स। अब इसमें 1/2 मोल्स में एक CO2 में कितने एटम होते हैं 3, तो इंटू 3 मोल्स हो जाएगा, तो कितना हो गया 1.5 मोल्स ऑफ एटम्स, इतने एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने 1.5 मोल्स ऑफ एटम्स। तो इसको एक्सपांड करके लिख दो, 1.5 इंटू 6.023 इंटू 10^23, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 12th का ऑप्शन सी। क्लियर हुआ, इज इट क्लियर? ठीक, 13, एट रूम टेम्परेचर टू फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ फिल्ड, मान लीजिए ठीक है ये दोनों हैं इक्वल वॉल्यूम, पार्टिकल्स ऑफ विच आर इक्वल इन टू पार्टिकल्स आर, देखिए मान लीजिए ये H2 गैस है और ये क्या है SO2 गैस है, ये H2 गैस है और ये क्या है SO2 गैस है, वॉल्यूम क्या है इक्वल। तो मान लेता हूँ मैं STP है, तो ये भी वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, मानने में क्या जाता है कुछ भी मान सकते हो, ये भी वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। तो H2 के कितने मोल्स होंगे 1 मोल, और इसके कितने मोल होंगे 1 मोल, तो इसका 1 मोल H2 गैस है और इसका 1 मोल SO2 गैस है, 1 मोल में एक मोल में कितने मॉलिक्यूल 6.023 × 10^23 मॉलिक्यूल्स, एटम नहीं है मॉलिक्यूल्स, और इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स 6.023 × 10^23 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों क्या होंगे बराबर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बराबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बराबर 13, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। मान लेते देखो इसको करने का दूसरा तरीका है, इसके मोल्स निकालो, एन ऑफ H2 कितना होगा, मान लो वॉल्यूम वी मानते तो इसका वॉल्यूम कितना होगा वी अपॉन 22.4, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितना होगा V/22.4। तो देखिए दोनों के मोल्स बराबर आ रहे हैं, दोनों के मोल्स बराबर आ रहे हैं यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों के क्या रहेंगे सेम, दोनों के मोल्स बराबर आ रहे हैं यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों के क्या रहेंगे सेम, ऐसे निकाल सकते हो आप, दोनों के मोल्स बराबर आ रहे हैं, वॉल्यूम V था तो ये भी वॉल्यूम V था, क्वेश्चन में दिया इक्वल वॉल्यूम है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है, तो इसके मोल्स कितने होंगे V/22.4, इसके मोल्स कितने होंगे V/22.4, दोनों के मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स सेम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे सेम।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। और कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। क्लियर, क्लियर, सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट 14, आइए 14 देख लेते हैं। व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन, ये क्वेश्चन अपन ने देखा है, कल ही देखा था। देखिए 14 रिएक्शन क्या होगा, इसका एक मोल प्रोड्यूसेस, इसका एक मोल और इसका एक मोल, कल देखा था अपन ने, इसका एक मोल विल प्रोड्यूस इसका एक मोल और इसका एक मोल। तो इसके कितने मोल प्रोड्यूस हुए, 56,000 डिवाइडेड बाय, इसका मोलर मास कितना होता है 56, 40 प्लस 16 यानी इसके कितने मोल है, 1000 मोल। तो कितने मोल से स्टार्ट किया होगा, 1000 मोल से, क्योंकि 1000 विल प्रोड्यूस 1000 प्लस 1000 मोल्स 1:1:1 रेशियो में। एक मोल इसका एक मोल बनाएगा और इसका भी एक मोल बनेगा, एक मोल टूट के इसका एक मोल बनाएगा और इसका भी एक मोल बनाएगा। तो 1000 मोल इसके टूट के इसके 1000 मोल बनाएंगे, उसके भी 1000 मोल बनाएंगे। इसके 1000 मोल कैसे बनाए, 56 kg दिया हुआ था वेट और इसका मोलर मास कितना होता है 56, यानी इनिशियली इसका इसके मोल्स कितने थे 1000, इसके मोल्स कितने थे 1000। तो इसका वेट कितना हो गया, 1000 इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास 100, दैट इज इक्वल टू 100 × 1000 यानी 100 kg, ये ग्राम में आएगा यानी 100 kg। क्लियर हुआ तू ही ना, क्लियर हुआ तू ही ना, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। वंस अगेन, ओके आई विल शो यू, श्योर नो इश्यूज, वंस अगेन कोई बात नहीं। देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन अपन ने देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर इट ब्रेक्स डाउन इंटू टू पीसेस, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो मतलब जब इसका अगर एक मॉलिक्यूल रहता, इसका एक मॉलिक्यूल रहता तो वो टूट के इसका एक मॉलिक्यूल बनाता और इसका भी एक मॉलिक्यूल बनाता, देख सकते हैं आप, इसका एक मॉलिक्यूल हीट करने पर टूट के कैल्शियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाएगा और CO2 का एक मॉलिक्यूल बनाएगा। एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, एक कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल है और एक कैल्शियम CO2 का मॉलिक्यूल है। तो देखिए, तो अगर इसका एक मोल रहता, एक मोल बस क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे तीनों से, तो वो टूट के क्या बनाता, 1 मोल CO और इसका भी कितना बनता, 1 मोल CO2 यानी इसका एक मोल टूट के इसका एक मोल बनाता है, इसका एक मोल टूट के इसका एक मोल बनाता है। तो इसके कितने मोल्स थे, 1000 मोल्स बने। तो इसके कितने मोल्स होंगे इनिशियली, 1000 मोल्स, 1000 मोल्स का वेट कितना होगा, 100 kg, क्योंकि एक मोल का वेट कितना है 100 ग्राम, एक मोल का वेट कितना है 100 ग्राम। अभी समझ में आया तो ही ना, दोबारा समझाऊं, इसका एक मॉलिक्यूल टूटा इसके एक मॉलिक्यूल में और इसके एक मॉलिक्यूल में, यानी इसका एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए हमको एक मॉलिक्यूल चाहिए, इसका एक मॉलिक्यूल, अब CO2 से कोई लेना देना नहीं है, इसका एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए इसका एक मॉलिक्यूल चाहिए, ये तो हमको पता है। इसके कितने मॉलिक्यूल बने, 1000 मॉलिक्यूल, तो इसके कितने मॉलिक्यूल चाहिए, इसके कितने मोल्स चाहिए, 1000 मोल्स, 1000 मोल्स का वेट कितना होगा, 1000 इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा वेट 100 × 1000 ग्राम, किलोग्राम में डिवाइड बाय 1000 किया यानी 100 kg, यानी 100 kg, यानी 100 kg।
यानी कि 100 kg। ठीक है, 15th। देखिए 15th, अ बैलून इज फिल्ड विथ N2O, पियर्स विथ नीडल एंड ड्रॉप्ड इमीडिएटली इनटू द सिलेंडर ऑफ CO2 एट द सेम प्रेशर एंड साइज ऑफ द बैलून। एट द सेम प्रेशर, द सेम प्रेशर, द साइज ऑफ द बैलून। हाँ देखिए क्या होता है बेटा, आप समझिए प्रेशर क्या होता है एक प्रकार से, कि अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा, आप मान लीजिए ये पेपर है, ये पेपर में मैं दो तरफ से प्रेशर लगा रहा हूँ, ये देखिए मैं दो तरफ से क्या लगा रहा हूँ, प्रेशर देख सकते हैं आप, दिख रहा है आपको। अगर मेरा एक तरफ से प्रेशर ज्यादा होगा तो इस तरफ जाएगा, एक तरफ से प्रेशर ज्यादा होगा तो इस तरफ जाएगा, दोनों तरफ प्रेशर क्या रहेगा, सेम तो नहीं हिलेगा, सेम है। वहां भी अगर एक बैलून का प्रेशर एनवायरमेंट के बराबर रहेगा तो वो डिफ्यूज नहीं होगा, तो वो डिफ्यूज नहीं होगा, दैट्स इट, तो वो डिफ्यूज नहीं होगा भाई। यहां से यहां दोनों का प्रेशर बराबर है, ये गैस भी धक्का दे रही है, ये गैस भी धक्का दे रही है, और दोनों बराबर प्रेशर से धक्का दे रही हैं। दोनों जब बराबर प्रेशर से धक्का दे रही हैं तो एक दूसरे को धक्का नहीं दे पाएंगी, एक दूसरे को धक्का नहीं दे पाएंगी, तो बैलून में जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम रहेगा, ना बैलून का वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना बैलून का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सिंपल, ठीक है, गॉट इट। फिफ्टीन का सी तो लिखा है, डज नॉट चेंज, फिफ्टीन का सी है, ये देखिए डज नॉट चेंज, फिफ्टीन का सी डज नॉट चेंज, गुड गुड। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज एवरेज एटॉमिक मास। और आई से बेटर विल बी वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज एटॉमिक मास। चलिए पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को करिए, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन अ क्लास, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स देयर आर 30 बॉयज एंड 70 गर्ल्स। In a class of 100 students, there are 30 boys and 70 girls. If all the boys weigh 50 kg and all the girls weigh 40 kg, what is the average weight of a student in the class? इस क्वेश्चन को करिए पहले। करेक्ट आंसर है 43 kg इज द राइट आंसर अनुष्का, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, बाकी लोग भी बनाइए। ब्रिलियंट, वेरी गुड,
छपका आ गया। सबका आ गया। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, मान लेते हैं यहाँ 100 बॉयज दिए थे, मैं बोलता हूँ 3 बॉयज ले और 7 गर्ल्स, तो भी रेशियो सेम है 10 स्टूडेंट्स के हिसाब से लेते हैं, तो 3 बॉयज का वेट कितना होगा 50 प्लस 50 प्लस 50, और 7 गर्ल्स का कितना होगा 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग 10। यानी हमने क्या किया, 50 × 3 + 40 × 7 डिवाइडेड बाय 10, दिस कम्स आउट टू बी 15 + 28, 43 kg। और जो ऊपर दिया हुआ था अपन क्या करते हैं 30 बॉयज, तो टोटल बॉयज का वेट कितना हुआ 30 बॉयज × 50 kg, तो बॉयज का टोटल वेट हो गया 1500 किलो। 30 बॉयज थे और सबका वेट कितना था 50 kg, तो टोटल बॉयज वेट, टोटल बॉयज वेट, बॉयज वेट इज इक्वल टू 1500 kg। गर्ल्स का वेट निकालें, टोटल गर्ल्स का वेट कितना होगा 70 × 40, 2800 kg हो गया, टोटल गर्ल्स वेट आ गया, टोटल गर्ल्स वेट, गर्ल्स वेट 2800 kg। सो टोटल क्लास वेट, टोटल क्लास का वेट कितना हुआ, फोर्टी थ्री हंड्रेड के जी, ये टोटल क्लास का वेट आ गया। तो इन द क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर 100, तो एवरेज वेट इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल पर्सन, 4300 / 100 इज इक्वल टू 43 kg। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, एवरीवन इज क्लियर विथ इट। नाउ ऑब्वियसली इसका क्या रिलेशनशिप है केमिस्ट्री के साथ, मैं आपको बताता हूँ। सारे एटम्स मतलब मैक्सिमम एटम्स आर प्रेजेंट, जैसे कि क्लोरीन है एग्जांपल, क्लोरीन, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स, एक क्लोरीन 35 होता है और एक क्लोरीन 37। आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट, एटॉमिक मास इज डिफरेंट। और नेचर में ये दोनों आइसोटोप्स स्टेबल हैं और मिलते हैं, अबंडेंस में मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। यानी आप जब क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करते हैं, CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको एक साथ ये दोनों एटम्स मिलते हैं, ये दोनों Cl2 37 वाला भी मिलेगा, 35 वाला भी मिलेगा और Cl2 37 वाला भी मिलेगा, और इनका भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। बट अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने 100 एटम निकाले क्लोरीन के, 100 एटम अगर मैंने क्लोरीन के निकाले, तो जनरली 75 एटम किसके निकल के आते हैं, क्लोरीन 35 के, और 25 एटम 37 क्लोरीन के निकल के आते हैं। ये दोनों आइसोटोप्स हैं। अगर आप 100 एटम निकालते हैं क्लोरीन के एनवायरनमेंट से, तो इसके 75 एटम निकल के आते हैं, इसके 25 एटम निकल के आते हैं, तो एवरेज वेट क्या हो जाता है, एवरेज वेट क्या हो जाता है, 35 × 75 जैसे अभी अपन ने किया था, प्लस 25 × 37 डिवाइडेड बाय 100। ये आंसर कितना आता है, ये आंसर कितना आता है आप निकालिए, दिस कम्स आउट टू बी 3550 डिवाइड बाय 100,
35.5। तो एवरेज वेट हम लोग लेते हैं क्लोरीन का 35.5। 35 भी नहीं ले सकते, 37 भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये इस रेशियो में नेचर में मिलते हैं। दिस इज नोन एज परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज परसेंटेज अबंडेंस। व्हाट इज परसेंटेज अबंडेंस? जिस परसेंट में ये मिलते हैं, जिस परसेंट में मिलते हैं, यानी ये 75% रहता है और ये क्या रहता है 25%। तो आपको एवरेज वेट, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास इस प्रकार से निकालना होता है, इस प्रकार से निकालना पड़ता है। सो एवरेज मोलर मास ऑफ अ एलिमेंट, ऑफ अ एलिमेंट बाय इट्स आइसोटोप्स, बाय इट्स आइसोटोप्स इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा परसेंटेज इंटू, परसेंटेज इंटू पी वन एम वन डिवाइडेड बाय पी वन एवरेज मोलर मास, इस प्रकार से निकाला जाता है, इस प्रकार से निकाला जाता है, इस प्रकार से निकाला जाता है। यहां पर 100 कर लीजिए, यहां डिवाइड बाय 100 कर लीजिए। यह पी वन इज परसेंटेज, पी वन इज परसेंटेज एंड एम वन इज मोलर मास ऑफ आइसोटोप वन, आइसोटोप, आइसोटोप वन। क्लियर हो रहा है ये? क्लियर हो रहा है? एनवायरनमेंट में आपको जब क्लोरीन निकालते हैं तो उसको दोनों आइसोटोप मिलते हैं, 35 नंबर भी मिलता है, 37 नंबर भी मिलता है। पर 100 अगर आप निकालते हैं, मान लो 1000 निकालते तो भी 750 35 रहता और 250 क्या रहता, 250 क्या रहता 37। तो हम लोग एवरेज मोलर मास जब भी निकालेंगे तो हरदम मोलर मास इस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे। क्लियर हुआ सबको ये? एवरेज मोलर मास का कंसेप्ट क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे ही कल अपन और क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास बहुत जरूरी रहेगी, प्लीज अटेंड करिएगा, ठीक है? अच्छा, कल संडे है ना, एग्जांपल यही तो है, क्लोरीन का एग्जांपल दिया आपको, क्लोरीन, क्लोरीन का आप एवरेज एटॉमिक मास देखेंगे जाके तो 35.5 रहता है, यही तो एग्जांपल है क्लोरीन का, ठीक है? कल अपन इसके और एग्जांपल देखेंगे, विल डू इट टुमारो, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है, विल सी टू टुमारो, ठीक है? चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कल क्लास होगी, कल संडे है ना, कल शायद क्लास नहीं होगी आपकी, एक हफ्ता हो गया ना, संडे आई विल इन्फॉर्म ऑन द ग्रुप। बाय बाय।